9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार को पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया को न रोकने को लेकर फटकार लगाई। आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अयोध्या में यूपीएस टीएफ और एटीएस की यूनिट के बाद अब एनएसजी का हब बनेगा। एनएसजी का ये देश में छठवां हब होगा। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर ये फैसला लिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब जनता के सवाल संसद में उठाएंगे। सागर के इमलिया में पानी की दिक्कत इतनी है कि महिलाओं को कुएं में उतरकर पानी भरना पड़ता है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भी इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश है। इंदौर में भी बजरंग दल ने आतंकवाद का पुतला जलाया। भोपाल में मंत्री विधायकों और अफसरों के बंगले बनाने के लिए 29,000 पेड़ों के काटे जाने का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। शहर के रहवासियों ने पेड़ों से चिपक कर विरोध जताया। ग्रुप ए में आज भारत और अमेरिका का मैच होगा। पाकिस्तान इसमें टीम इंडिया को सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका के हारने से ही पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के चांस बने रहेंगे। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी अपने तीसरे सीजन के साथ लौट रहा है। शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पॉपुलर सिंगर मीका सिंह भी बतौर कंटेस्टेंट शो का हिस्सा बन सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।